अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज फिर मैं आपको एक मॉल टूर पे ले आई हूँ। सो बेसिकली ना काफ़ी ज़्यादा सेल्स लगी हुई है, सो आई थॉट व्हाई नॉट आके ज़रा थोड़ा सा यू नो जस्ट टू सी, कुछ ना भी लेना हो तो विंडो शॉपिंग ही कर लेता है बंदा। तो खैर, दिस इज़ डियोर परफ्यूम्स आउटलेट। ओके, महंगाई के हालात हैं आजकल, ये तो बाहर बाहर से देख के बस बंदा निकल जाए अपने कामों पे। एनी हाउ, ये टिम्बरलैंड की आउटलेट है। आप देखिए, इट्स सो हैपनिंग टुडे बिकॉज इट्स सैटरडे वीकेंड, तो हम थोड़ा सा अपना काम करने आए हैं स्केचर्स पे। सो लेट्स गो टू स्केचर्स। ये जस्ट यहीं पे, लेट्स जस्ट गो गेट सम, लुक एट सम स्टफ। जी, तो स्केचर्स जो था उसकी सेल बहुत मिसलीडिंग थी। हमें लिखा वो कुछ और था उन्होंने, और जब एंड पे बिल बना तो उस पर ऑफर लग ही नहीं रही थी। सो मैंने पहले कभी लाइफ में ऐसा नहीं किया कि मैं कोई चीज़ पिक कर लूँ, और मेरा ख्याल था वो दोनों ऑफर पे हैं, पर दे वर नॉट। और टॉमी हिलफिगर की कितनी अच्छी आउटलेट है यहाँ पे। सो मैं आई डेफिनेटली विजिट जब मेरे पास टाइम होगा। सो हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि हमने कुछ ले गया बिल्कुल एंड पे, उधर ड्रॉप आउट कर दिया, हमने नहीं लिया बिकॉज उस पर ऑफर लग ही नहीं रही थी। इसलिए प्लीज़ प्लीज़, जितने ही बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो, प्लीज़ मेक श्योर आप इन लोगों की ना ऑफर्स देखें कि उस पर लग भी रही है ऑफ़र या नहीं, या ऐसे ही रैंडमली वो लोग आपको यू नो थग्स की तरह पैसे ना लूट रहे हों आपसे। सो यू डेफिनेटली नीड टू सी। और बस ये थोड़ी सी मैंने अपनी एक टिप देनी थी आप लोगों को, जो आज मेरे साथ हुआ कि ऑफ़र कोई और थी और एंटे पे हम लेने गए तो उन्होंने कहा कि जी आपने जिस लाइन से उठाया उस पर तो ऑफ़र नहीं है, हालांकि लिखा हुआ है कि सब पे ऑफ़र है। सो कितना मिसलीडिंग है यार, एक नॉर्मल बंदे के लिए जो बेचारा हो, खासकर बड़ी एज के लोगों के लिए जो बेचारे नए आए हो, उनको ना इतनी समझो तो वो तो बेचारे कितना लूटे जाए यहाँ पे, तो इसलिए आपको बहुत देख के चीज़ें लेनी है। सो लास्ट में मैंने एक ईएमआई टूर यू की खाड़ी भी है यहाँ पे, तो देखिए आज मैं साइड पे आ गई हूँ जहाँ खाड़ी है एक्चुअली। और ये देखिए आप, खाड़ी की एक बहुत फिट सी आउटलेट है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर बाहर से दिखा दूँगी इसका, बिकॉज अभी मुझे कुछ लेना नहीं है यहाँ से तो अंदर नहीं, लेकिन मोस्टली जो डिज़ाइन आपको पाकिस्तान में मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं मोस्टली, और काफ़ी बड़ी आउटलेट है। और टूवर्ड्स दादर साइड भी, और ये इनके टू पीस सेट्स भी आए हैं, आई हैव हर्ड बहुत अच्छे होते हैं। ये जो मरून वाला है स्पेशली, ये मैंने पहले भी देखा है किसी ब्लॉगर को इंस्टाग्राम पे। सो विल कम एंड ट्राई लेटर ऑन जब दिल किया और जब जेब ने इजाज़त दी, बिकॉज आप हर दफ़ा कुछ देखने आए होते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपने लेना है। समटाइम्स आप जब जस्ट इंफॉर्मेशन ग्रैब करने आए होते हैं, आप देखने आए हुए होते हो कि कुछ अच्छा डील्स पे है, अच्छा फिर मुझे सेव करना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, कि नेक्स्ट टाइम पे अच्छी सेल लगे तो मैं क्या करूँ। दूसरा, ये वाला सेंटर पॉइंट जो है ना, इसके परफ्यूम्स बहुत अमेजिंग हैं, जिन्होंने बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ रखी होती हैं। आप लोग जाएँ और जाके स्मेल करें, जो रीज़नेबल और इकोनॉमिकल अमाउंट होता है ना उसमें बहुत अच्छी वेराइटी है इधर। सो अब और इनका ये कॉस्मेटिक सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं यहाँ से इतने कॉस्मेटिक्स नहीं लेती, मुझे लगता है कि पुराने और एक्सपायर्ड होते हैं ये, लेकिन इनके परफ्यूम्स फॉर श्योर अच्छे हैं और वेराइटी भी अच्छी है और जो इकोनॉमिकल रीज़नेबल रेंज में होता है, और मैनी टाइम्स इस पर ऑफ भी लगा हुआ होता है। सो ये इन लोगों के कुछ लोकल ब्राइडल शॉप भी है शायरा के नाम से। सो कभी मौका मिला तो चले ऐसी जगहों पे भी जाएंगे जस्ट टू सी के कैसी होती हैं। और ये भी है कोई, और ये भी है। सो चलें, अभी थोड़ी सी कुछ काम की चीज़ें देखनी हैं उनके लिए। आई वुड जस्ट गो इनसाइड, वी आर आउटसाइड जॉकी एंड माई हस्बैंड हैज़ टू कैच अप ऑन फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड। सो इधर भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, तो हम क्योंकि आज हमारे विज़िट के स्टार्ट पे ही हम लोगों को कुछ एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो गया है, सो नाउ वील बी वॉचफुल कि हम लोगों को कौन सी ऑफर अवेल करनी है और कैसे। सो आज ये चूँकि वीकेंड है तो सुबह से देखें कितना रश है यहाँ, मतलब पूरे मॉल में इट्स लाइक जैम पैक। लेकिन वैसे मुझे लगा कि आज अब थोड़ा सा रश कम होना शुरू हो गया है, बिकॉज आई थिंक
समर्स आर वाइंडिंग अप तो फिर मोस्टली लोग जो हैं वो बीचेस पे और आउटसाइड एक्टिविटीज़ को प्रेफर करते हैं इन द इवनिंग्स एज वेल. सो अभी तक के लिए आप लोगों को ये सब ही दिखा पा रही हूँ मैं, और फिर आई विल कैच अप विद यू इन अगेन इन फ्यू मिनट्स. देखिए कितना क्यूट एंटीक पुराने ज़माने का डोम टाइप बनाया हुआ है. मैंने आपको ये कहा था ना कि दुबई मॉल इज़ लाइक अ सिटी. इट्स इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टाइप्स कंसिडर कर लिया, डिफरेंट पोर्शंस को, और हर पोर्शन को उन्होंने फिर इतनी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, और मतलब इतना आर्टिस्टिक और खूबसूरत है. आप देखिए इसका नीचे जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसका फ्लोर ही देख लें आप इस टाइम पर कितना खूबसूरत है. और इस एरिया में ज़रा ज़्यादा वो शॉप्स नहीं है जिन पे लोग ज़्यादा जाके चीज़ें लेना पसंद करते हैं, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है. और कुछ हम जैसे जिनको ज्वेलरी का बहुत शौक है उनके लिए सी कितने क्यूट हैं. मुझे भी ऐसे छोटे छोटे डेलिकेट ही पसंद हैं, इवन ये जो आपका नेकलेस है, बिकॉज जो बड़े बड़े होते हैं ना उनकी भी यूजबिलिटी नहीं रहती एज सच. सो आई इवन माई सेल्फ लाइक दिस डेलिकेट वंस. सो ले रही क्या मैं आप लोगों को जो ऊपर से दिखा रही थी वो मैं नीचे ही आ गई हूँ अब, बिकॉज मुझे जहाँ पे जाना है उसकी एक्सेस नीचे से करीब है. तो अब सूप के थ्रू, सूक की एंट्री के थ्रू हम उधर जाएंगे. सो आप भी चलिए मेरे साथ. सी दिस इज़ अ सूक एंट्री, इसके थ्रू वी आर गोइंग टू दैट आउटलेट. सो एज ऑलवेज आई एम एट वन ऑफ माई फेवरेट आउटलेट्स दैट इज़ एलसी वाइकिकी, और आए चले इनकी वैरायटी देखते हैं. और अभी से विंटर वैरायटी आ गई है यहाँ पे. लेट्स एक्सप्लोर इस साइड पे, कुछ देखना स्टार्ट करते हैं. आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ देयर शर्ट्स. मैं यहाँ से बहुत बल्क में मोस्ट ऑफ द टाइम परचेज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं. And even their big frocks are very nice. Almost सारे pins जो यहाँ पे होते हैं ना mostly होते हैं हमारे पास. ये वाला भी है, ये नहीं है. अच्छे लगते हैं abstract prints इनके मतलब. और आपको इनकी थोड़ी सी मैं जूतों की variety भी दिखा देती हूँ. मैंने कभी लिए नहीं है यहाँ से, लेकिन होती है काफ़ी. ये अब सारे फीमेल्स की जूतों की वैरायटी है. और यही प्रिंट जिसमें आप प्राइसेस भी इनके रीजनेबल हैं अगर शर्ट्स की देखें. और जैसे मुझे ये वाली शर्ट काफ़ी पसंद है, आराम से जीन्स के ऊपर. और अच्छा जी, अब इन्होंने प्राइसेस थोड़ी बढ़ा दी हैं. इट्स 89. आई हैव बीन बाइंग दीज फॉर लाइक 59 से 62 या 64, मैक्सिमम 64. सो दिस हैपेंस टू बी अ लॉट बिगर नाउ. और देखते हैं, प्रॉब्ली मुझे ज़्यादा नाइट सूट्स देखने हैं अभी, तो आई जस्ट लुक इन टू देम. और ये मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ वैरायटी दिखा दूँ. और ये
जो घर में क्रू नेक वाली शर्ट्स पहनने, उधर से आप इधर से आप ले सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं, यू कैन बाय एज़ पर योर चॉइस, पर वही कलर्स हैं पर्पल ब्लू जो कि मेरे पास पहले भी बहुत हैं घर में, तो लेट्स सी देखते हैं उसमें से कौन से आई कैन ऑप्ट फॉर और कितनी प्राइस लगी हुई है इसके। अच्छा 29 के हैं, सो ये थोड़ी सी थिक में है, मुझे नहीं थिक पसंद घर में स्पेशली, और हाँ इसका थिक मटेरियल है, तो चलें लॉन्ग स्लीव वाली 29 की है, यहाँ से कुछ उठाते हैं और फिर आपसे घर जाके थोड़ा सा शेयर कर लेंगे जो भी लिया हुआ होगा हॉल, बिकॉज अभी तक तो हम सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, और ये देखें आप लोग रश के हालात आज और मैंने जो आपको कुछ दिन पहले दिन के टाइम दिखाए थे, कितना डिफरेंस है। और आप लोग अब इस तरफ भी देख सकते हैं, इस एस्केलेटर पे कितना ज़्यादा रश है, स्पेशली फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, उसे छोड़ दें इसी फ्लोर पे आप लोग देख लें। सो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है वीकेंड्स पे शाम के टाइम, और दिन के टाइम इट्स वेरी पीसफुल, सो इट्स बेटर एंड रिकमेंडेड आप सुबह के टाइम आ जाएँ स्पेशली वीक डेज में, इवनिंग्स में तो आप देख लें फिर ये हाल। So right from this part I had to mute the voiceover that I had video ki actual one because udhar shor bahut zyada tha aur phir bahut disruption thi aur phir music bhi tha to music pe phir copyright ke thode issues aa jate hain, so it's better ki aap phir wo wala part mute out kar do. To bas kuch bhi nahi, we were just going in to the place that we wanted to have a dinner at, aur bas Starbucks ke samne se hote hue हम लोग, ये फाउंटेंस की अप्रोच है इसके साइड पे जहाँ से सारे जाते हैं बाहर दुबई फाउंटेन के लिए, बस वहीं से हम वे आउट ले रहे थे जस्ट टू गो, एंड थोड़ी लंबी वॉक है, लाइक 15 मिनट्स की वॉक थी टू द प्लेस दैट वी वांटेड टू गो, बट मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया, सो वी टुक द वॉक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक क्या आवाज़ आ रही है, ये इन लोगों का लेज़र शो होता है बुर्ज खलीफा के ऊपर, मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है बिकॉज ये बिल्कुल ख़त्म होने लगा था, सो दिस इज़ इट फॉर यू। तो अब मैं आ चुकी हूँ दुबई ओपरा डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रिक्ट जिसे उन्होंने नाम दिया हुआ है कि डाउनटाउन में ही है बुर्ज खलीफा के बिल्कुल ऑन द साइड, तो ये दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड नवात, इट्स अ टर्किश प्लेस, और बिलीव यू मी अभी ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, लोगों को इसका नहीं पता, बट अगर कुछ जगह यहाँ पे थोड़ी सी रीज़नेबल अमाउंट में रह गई हैं जहाँ पे आप रीज़नेबली डाइन इन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को आपने खाना देना हो तो दे सकते हैं, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो कि पॉकेट पे आपको फ्रेंडली पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत इनसेनली महंगी हो गई है हर जगह यहाँ पे भी। देखें इसका डिकोर भी अंदर से वो हमारे साथ एक बनी भी है जो कि बैठा हुआ था, मतलब इनका ये इंटीरियर डिकोर टाइप है कि दे हैव दिस बनी ऑन एवरी सीट। मैंने बहुत जगह पर पी ली है यहाँ पर, लेकिन मुझे इन लोगों की नवात की बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगती है, मतलब सही स्टीपी सही मज़ेदार, आप लोग जरूर ट्राई करें यहाँ पर जाके। एंड विद दैट आई विल जस्ट टेक लीव फ्रॉम यू गाइस एंड वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
मुझे पूरा फीडबैक आगे सो आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।